बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन यंग जनरेशन के वन ऑफ द फेवरेट एक्टर बन गए हैं। मिस्टर आर्यन की फीमेल फैन फॉलोइंग भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खबरें हैं कि कार्तिक को डेली सोप क्वीन एकता कपूर ने हाल ही में एक फीचर फिल्म ऑफर की थी, लेकिन बॉलीवुड के सोनू ने बहाने बनाकर फिल्म से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बॉलीवुड रिपोर्टर अब आपको इस बैकआउट का रियल रीजन बताने जा रहा है। आखिर क्यों बॉलीवुड के चिंटू जी ने एकता की फिल्म से किया स्टेप बैक, देखिए। क्या कार्तिक के टैंट्रम्स हो गए हैं हाई? क्या मिस्टर आर्यन ने अपनी फीस है बढ़ाई? बॉलीवुड के यंग स्टार कार्तिक आर्यन का नाम आजकल हर फिल्म मेकर की जुबान पर है। मिस्टर आर्यन ऑडियंस की पहली पसंद बन गए हैं या फिर उनकी एक्टिंग ऑडियंस को खूब भा रही है। ऐसे में खबरें हैं कि कार्तिक को डेली सोप क्वीन एकता कपूर ने एक फीचर फिल्म में साइन करने का मन बनाया था, लेकिन कार्तिक ने एकता के इस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। बॉलीवुड रिपोर्टर की सोर्सेस की माने तो मिस्टर आर्यन ने पहले तो एकता को डेट्स ना होने का हवाला दिया और फिल्म से बैकआउट करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों के बीच बात सिर्फ पैसों की वजह से नहीं बनी। जी हाँ, कार्तिक ने एकता के ऑफर को अपनी फीस की वजह से ठुकरा दिया। खबरों की माने तो एकता कार्तिक को इतना पैसा नहीं देना चाहती जितना वो डिजर्व नहीं करते। वैसे भी एकता अपने एक्टर्स को अनरीजनेबल अमाउंट ना देने के लिए मशहूर है। सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छिपी, पति पत्नी और वो जैसी बैक टू बैक हिट्स देकर कार्तिक ने अपनी फीस हाई कर ली है। यहाँ तक कि कार्तिक ने वरुण शाहिद से भी ज्यादा फीस की डिमांड एकता के सामने रख दी है, जिस वजह से मिस्टर आर्यन और एकता की ये डील फ्लॉप हो गई है।